वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है मीनाक्षी चौहान ने और वीडियो का टाइटल है माय फर्स्ट पीरियड शॉर्ट फिल्म वुमेन्स डे फादर एंड डॉटर मोटिवेशन वीडियो कंटेंट का कीड़ा। वेल मुझे फनी लग रहा बहुत जिस तरीके से टाइटल पड़ा है। एनीवे अभी हम देख लेते हैं वीडियो। मतलब तुमने कहा ना माय फर्स्ट पीरियड तो इस वजह से मुझे फंसी आई। वेल गाइस वीडियो देख लेते हैं लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। बताया कि घबराने की बात नहीं है, हर लड़की को होते हैं। तू पैड्स ले आई? नहीं, वो कहाँ मिलेंगे? काश तेरी मम्मी होती तो वो तुझे समझा पाती। अपने पापा से बात करना। पापा? मेरी पापा से कैसे आई? I can't talk to papa about this. तो फिर केमिस्ट से ले आ। अच्छा, मेरी मॉम बुला रही है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। अरे पर मैं पापा यस आरुषि बेटा वो मैं क्या वो कुछ नहीं, मैं अपनी फ्रेंड शमा के साथ नीचे खेलने जाऊं। हाँ जाओ, बिल्कुल जाओ, सोसाइटी के बाहर मत जाना, ठीक है? ओके। अरुषि स्कूल के लिए लेट हो रहा है भाई। अरुषि क्या कर रहे हो, अभी भी सो रहे हो आप? अरुषि अरे स्कूल नहीं जाना क्या? अरे उठो, स्कूल नहीं जाना, उठो उठो। पापा वो आज मैं छुट्टी ले सकती हूँ प्लीज? छुट्टी? बुखार तो नहीं है? स्कूल में कुछ हुआ, किसी ने कुछ कहा फिर? It's just that, just why? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ओ, पेट में दर्द हो रहा है? पता नहीं, मार्केट में कुछ खाया ना तूने गलत? नो प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम, मैं भी आज छुट्टी ले लेता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है पापा। आप अरे जरूरत क्यों नहीं है, तेरा ख्याल कौन रखेगा? लव यू टू। पहले कुछ खा ले फिर आराम से सो जाना। Five minutes.
पढ़ लिया होगा शायद। कैसे स्टार्ट करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगा तुम्हारी मम्मी ना इस बारे में तुमसे बातें करेंगी, मगर मुझे पूरा यकीन है कि इस वक्त तुम्हारी मम्मी ऊपर से हमें देख रही है। यू नो व्हाट, दैट इज मेकिंग मी मोर नर्वस, ज्यादा नर्वस हो रहा हूं मैं। बट मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि नर्वस होने की तो बात ही नहीं। कुल नर्वस किसे नहीं होना चाहिए, मुझे आपको या मुझे? तू इतनी जल्दी बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला। ओके नाउ यू लिसन टू मी, तेरे साथ इस वक्त जो हो रहा है ना उसे पीरियड्स कहते हैं। हर महीने होता है, नॉर्मली 28 डेज का साइकिल होता है, 28 डेज। इस समय ना पेट में थोड़ा सा दर्द होता है, कभी कभी ज्यादा भी होता है। तो उसके लिए ना ये हॉट वाटर बॉटल ट्रीटमेंट, ये देख अभी ऐसे ना ऐसे यहाँ पे रखो, पेट दर्द को थोड़ा कम करती है और बहुत आराम मिलता है। और पेट दर्द के साथ साथ ना थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आता है, मूड स्विंग्स भी होते हैं, इरिटेशन होता है, बट इट्स अ साइन, साइन कि तुम एक गर्ल से वुमन बन रही हो। And you know what? Pad हर 2 से 3 घंटे चेंज करना है, okay? Pad कैसे यूज करना है? इस पर लिखा हुआ है। और इस टाइम में ना आरुषि बिटिया, क्लीनलीनेस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। पर पापा ये डिफरेंट कलर्स में क्यों है? नुआ पैच की बेस्ट बात यह है कि इसमें 12 पैच कस्टमाइज्ड है, मतलब आप आपके फ्लो के हिसाब से इसे यूज कर सकते हो। ऑरेंज कलर फॉर हेवी फ्लो, बेबी ग्रीन एंड लाइट एक्वा कलर फॉर मीडियम फ्लो, एंड लाइट पिंक कलर फॉर लाइट फ्लो। थैंक यू सो मच पापा, अब वर्ल्ड के बेस्ट पापा हो। मुझे पता है कि ज्यादातर लड़कियां अपने पापा से ये सब डिस्कस नहीं कर सकती, पर मैं चाहता हूं कि मेरी आरुषि बिटिया अपने पापा से सब कुछ डिस्कस कर सके, सब कुछ। एंड आरुषि बिटिया, गर्ल्स नीड नॉट बी अशेम्ड ऑफ पीरियड्स। पीरियड्स तुम्हें गंदा या बुरा थोड़ी बनाता है, इनफैक्ट पीरियड्स के पावर टू क्रिएट लाइफ, पावर टू गिव बर्थ। पर हम ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? ये सब में तो बहुत टाइम है। I'm sure, पर आज मॉम होती ना तो वो भी इतना अच्छा नहीं समझा पाए। डैम, तुम्हारी मॉम को ये सब सुनने के लिए यहाँ पे होना चाहिए था। डैम। और फिर वो जलकर चिल्ला के क्या बोलती? Arushi loves me more. Period. But feel so. पता तुम्हारी मॉम को आहा से आहा क्या फील कराता था? नहीं। टाटांग टाटांग आइसक्रीम।
लेने के लिए घर से बाहर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। पापा ने मेरा नया ऑटो रिपीट प्लान ऑलरेडी सेट कर दिया है, तो प्लान हर महीने मेरे घर डिलीवर हो जाएंगे एज पर माई रिक्वायरमेंट्स। There are already pre-applied coupons up to 33% off. Use my code ARUSHI10 to get an extra 10% off. अब मुझे इसकी भी जरूरत है, क्योंकि नुआ वुमन अब हीटिंग पैच भी ऑफर करता है, and it is very easy to use. Once applied, the heating will start automatically, and you can use it for 8 hours. It comes in a pack of 2. So don't forget to order your cramp comfort by clicking in the link in the description box below. Use my code 20ARUSHI to get a special 20% off. बात करूँ अगर आज इस वीडियो की, तो नोड और पीरियड्स का जो एक टॉपिक होता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जो है माना जाता है हमारे यहाँ पर। खास तौर पर अगर बात की जाए तो वाकई यहाँ पे बाप और बेटी अगर ये टॉपिक डिस्कस करें ना, तो लोग हैं यार बड़े वाह याद किस्म के लोग हैं ये। वैसे सबसे पहले तो हम अपना टाइम याद करते हैं, बिल्कुल। हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तब जो पैडमैन मूवी आई थी, और उस टाइम पर हम काफी ज्यादा रिलक्टेंट थे इस टॉपिक को लेकर। इवन कि हम लोग भी इतना ज्यादा हम कहेंगे कि आपस बात कभी की ही नहीं हाँ। थी इसके बारे में, लेकिन क्योंकि हाँ। वही ना एक टैबू माना जाता था यार कि क्या नाम लेते हैं कि एक एक भाई बहन हाँ। या क्या नाम लेते हैं माँ सॉरी बाप और बेटी, ये क्या चीज डिस्कस कर हाँ, रहे हैं तो डिस्कस हाँ। एक ये नहीं है कि कभी घर में ये बात हुई है कि भाई आपने इनके सामने जिक्र नहीं करना, लेकिन ये मुझे लगता है कि शुरू से हम अपने जब बड़ों को देखते हैं ना, तो हम लोगों के दिमाग में ये चीज बैठ जाती है कि हम लोगों ने अपने भाई के साथ या अपने के साथ ये बातें डिस्कस नहीं करनी। तो मुझे ऐसा लगता है, लेकिन एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान कुन लगती है, मतलब ये चीजें तो मैंने देखी हैं, बट हाँ मैंने कभी ये अपने अराउंड जितने भी लोग हैं उनको ये नहीं देखा कि भी पीरियड्स गंदे होते हैं या यू नो इस तरह का समझा जाता है कुछ इसे, या उनको यू नो टच नहीं करना या कुछ इस तरह की फीलिंग, पता नहीं। मैंने बहुत सारी बातें सुनी हुई है कि ऐसा भी होता है काफी ज्यादा जगहों पर जहां पर लोग हाँ मतलब के उनको मतलब एक बोलते हैं कि आप किचन में नहीं जा सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। यानी ये पैडमैन मूवी में जो दिखाया हुआ है उसमें भी इसी तरह दिखाया ना कि उन्हें रूम से बाहर निकाल देते हैं, वो कहीं जा नहीं सकती, वहीं पर रहती हैं एक जगह पर ही। मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट लोगों की अपनी अपनी सोच होती है जिसके मुताबिक वो चलते हैं, जो मुझे भी लगता है गलत है। उसकी रीजन ये है कि शायद औरत को ये लगता है पता नहीं क्या मुझे क्या मसला हो गई है कि क्या प्रॉब्लम हो गई है जो लोग इतना ज्यादा मेरे साथ ऐसे बिहेव। अच्छा अभी भी अगर बात की जाए ना, तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको हमारी जो बड़ी बहन है, अगर उनके सामने कभी इस तरह का अल्फाज हमारे मुंह से निकल आए तो हम दोनों को देखती है कि दोनों क्या बातें कर रहे हैं। मतलब वो अभी भी वाकई में इस तरह की हैं कि उनके साथ कभी भी इतना ओपनली डिस्कशन नहीं कर सकते। वैसे सॉरी आपको इंटरप्ट कर दिया, कर मैं इनके साथ भी डिस्कशन नहीं था सकता इस तरह की, लेकिन क्योंकि अब टाइम टू टाइम हम दोनों एक दूसरे से काफी फ्रेंक हो गए हैं, काफी बातें एक दूसरे से शेयर करना शुरू हो गए हैं, तो अब जरा हम दोनों हाँ हमारे बोल्ड होने में या हमारा इतना ओपनली डिस्कस करने में हमारी यूट्यूब फैमिली का बहुत बड़ा रोल है, और साथ में वीडियोस का, क्योंकि हमारी सोच हमारी एक यू नो हम कहेंगे कि एक तरीका जिस तरीके से हम लोग पहले सोचते थे, और आई थिंक अब हमें वैसे मतलब शर्म पहले भी हमें इतनी नहीं आया करती थी, लेकिन मुझे लगता है कि वीडियोस बनाओ ना कि हम कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो गए मतलब बोलने के मामले में हमें चीजें डिस्कस करना उस तरह से नहीं लगता। बट ये वाकई में ऐसी चीजें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि ना मतलब चाहे देर आए दुरुस्त आए, मैं अब अपने आप को यही बात कहूंगी, अब ये नहीं कहूंगी भाई कि मुझे शुरू से ही ऐसे था या मेरी ऐसी ही एक मैं कहूंगी कि जिंदगी गुजरी है। ऑब्वियसली हम लोग भी डिस्कस नहीं करते थे चीजें, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉन्फिडेंस लड़कियों में होना चाहिए, और आगे हम अपने बच्चों को भी इसी तरीके से कॉन्फिडेंस देते हैं कि ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में आप डिस्कस नहीं कर सकते। बट ऑनेस्टली मुझे आता कि ये समझ नहीं आई, अभी जब मुझे खुद समझ आ गई है तो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये डिस्कस ना करने वाली क्या बात है, इसको शुरू से क्यों हमारे बड़ों ने ऐसे बनाया कि हम इसको किसी के सामने डिस्कस नहीं कर सकते। ये तो बड़े ही बता सकते हैं, नहीं वैसे सोचने वाली बात है ना सोचने वाली बात है, लेकिन बड़े ही बता सकते हैं भाई हमें तो नहीं पता, हम तो डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मल भी रखा जा सकता था, और मतलब इसको जरूरी तो नहीं है कि इसको इतना ज्यादा हमने खुद ही स्पेशल बना दिया इस बात को, भाई छुपा कर बताना नहीं है, ये नहीं करना वो नहीं करना। इवन
जीवन के बहुत सारी चीजें अभी भी वाकई में ऐसी हैं जो हम लोग अपने बाप के साथ, स्पेशली मुझे लगता है कि आप अपने फादर के साथ डिस्कस नहीं कर पाते लड़कियां, ना अपने भाप कह रहा हूँ, ना अपने बाप के साथ, ना अपने भाइयों के साथ नहीं डिस्कस कर सकती, क्योंकि अच्छा नहीं समझा जाता लोगों की तरफ से कि यार मेरा बस ये कहना है कि यार एक लड़के ने और एक लड़की ने, यानी कि जो बहन भाई है उन्होंने बाहर भी तो किसी से डिस्कस करना है ना, तो आपस में डिस्कस कर ले बातों को। सबसे बड़ी बात यह है कि बातें कवर रहती हैं, घर की बातें घर ही रहती हैं, आपको कोई टेंशन भी नहीं रहती। बिल्कुल, और इसीलिए मेरी हंसी भी निकल आई जब मौत में टाइटल पढ़ा ना, माय फर्स्ट पीरियड है, तो मुझे लगा कि आई विश इसको होते तो इसको पता चलता क्या यार है? देखो कैसी विश कह रही है, खुदा का खौफ करें यार, खुदा ना खासा इस तरह कुछ होगी ना आप लोगों को टेंशन बढ़ जानी है। नहीं नहीं नहीं, मजाक कर रहे हैं हम लोग पता, मैं ये बात कर रही हूँ कि बहुत सारे लोग, वैसे वाकई में ये चीज होती है लोगों को इतना समझ नहीं आती, मतलब जो देश के लोग होते हैं ना वो बड़ा नॉर्मल सा इसको लेते हैं, बट ऐसा होता है कि जो एक लेडी है उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब आपके मूड्स काफी ज्यादा स्विंग करते हैं और फिर वो मर्दों को प्रॉब्लम कर देती है। नहीं, वैसे मर्दों को भी चाहिए कि उन दिनों में वाकई में स्पेशल ख्याल रखें औरतों का, क्योंकि बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि इसको इतना ज्यादा वो लोग इतना पैम्पर करना शुरू कर दो कि भाई पता नहीं कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई, मतलब इस तरह भी नहीं लेना चाहिए चीजों को, नॉर्मल भी लेना चाहिए मतलब, और मुझे ऐसा लगता है कि साइड बाय साइड ख्याल भी रखना चाहिए, यानी कि बैलेंस रहना तो मजा आता है काम करने का, इस तरह का नहीं कि आपके फिजूल में। हालांकि वैसे वाकई में ये मैं बात मानती हूँ कि मूड बहुत बुरी तरीके से भयानक वाला खराब होता है, और साथ में क्या बोलते पेन वाकई में होती है, और यू नो हर इंसान के डिफरेंट डिफरेंट मैं कहूंगी कि उसके बॉडी के साथ जो है वो चेंजेस होती रहती है, होता है कि भाई सबको एक जैसा ही फील होता है, कुछ लोगों को पेन बहुत ज्यादा होती है, कुछ लोगों को बहुत कम होती है, कुछ लोगों को होती ही नहीं है, तो डिपेंड करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बस ये है कि इस चीज को इतना ज्यादा अब के टाइम में आकर हमारी सोसाइटी को वो नहीं करना चाहिए कि जी पैड्स के बारे में जिक्र नहीं कर सकते या हम पीरियड्स के बारे में जिक्र नहीं कर सकते, अब सोसाइटी को इसके बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को भी मुझे लगता है ऐसे ही ट्रेन करना चाहिए। अब मौसम क्या बोलेगा इसके बारे में? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपने मुझे बात ही ऐसी कर दी कि मैं खामोश हो गया। आपने आपने साथ कहा आई विश, ओ सॉरी, मतलब यार मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसे ही मतलब यू नो फ्लो फ्लो में बंदा बात कर देता है, मौसम तो परेशान ना, कोई मौसम बुरा मान गया इस बात का। वेल थैंक यू सो मच मीनाक्षी हमें इतनी अच्छी वीडियो सजेस्ट करने के लिए, और अब हम आपसे चाहेंगे इजाजत, और कमेंट सेक्शन में मत लगाइएगा हमारी किट, यानी कि जिन लोगों को हमारा पुराना रिएक्शन याद है वो वाला, वैसे बहुत सारे लोग भी लगता है ऐसे भी देखते होंगे जब कमेंट सेक्शन में ना, तो पुराने वाला हमारा रिएक्शन जाके देखते होंगे कि इन्होंने से क्या। बिल्कुल बिल्कुल, वेल गाइस थैंक यू सो मच हम लोगों को इतना चेंज करने के लिए, हमारी पर्सनालिटी चेंज करने के लिए, हमारी सोच चेंज करने के लिए, और अब हम आपसे चाहेंगे इजाजत, हमारे वीडियोस लाइक सब्सक्राइब शेयर, कीप अस इन योर प्रेयर्स, गुड बाय।